विधानसभा क्षेत्र बरसा से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी। इस बार जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। जियोली देवी पंचायत में नुक्कड़ सभा में संबोधित करते हुए बलदेव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक गरीबों व दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोग सत्ता पर काबिज रहे हैं तथा दलितों व गरीबों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर मात्र वोट हासिल किए हैं। अब जनता समझ चुकी है तथा झांसे में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गरीब व दलित जनता भाजपा के साथ खड़ी हुई है। प्रदेश के चुनावों में दलित व गरीब भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तथा इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। भाजपा प्रत्याशी ने बड़सर की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर उन्होंने डोर टू डोर लोगों से अपने समर्थन में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने सेवा को मौका दिया तो आगामी 5 सालों में बड़सर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से हल करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि बड़सर की जनता कांग्रेस से तंग आ चुकी है। इस बार के चुनावों में जनता कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस दौरान उनके समर्थक व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में गांव गांव जाकर समर्थन मांगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, महामंत्री श्याम सिंह डटवालिया, राजेश सहगल, एसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राम रतन, राजकुमार जसवंत सिंह, सुभाष सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़कर आपको आपसे माफी चाहूंगा। कार्यक्रम 11:30 रास्ते कहते इधर चलो उधर चलो, माना कर नहीं सकते, चुनाव का समय है। कनक भाई ली होनी कहें अभी ला ली है, माफी चाहते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमारा जो अपना घर का और भाई जिला का फौजी का बेटा और हमारे बीच का ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी को तीसरी बार पार्टी हाईकमान ने कहा इनको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। साथ में हमारे साथ मेरे उनके सहयोगी हमारे सभी यहाँ स्वयं प्रत्याशी भी आए हैं हमारे साथ, चमन जी और सभी लोग आए, इनका भी स्वागत है। आज वोट मांगने का काम है, भीख मांगने आए हैं और स्वागत है पार्टी में। हमारी कुछ लोगों ने पार्टी को समर्थन दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो इनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इसकी लंबा वासना करते क्योंकि क्या काम किया नहीं किया वो मेरी ड्यूटी थी। आपने 15 साल मुझे MLA बनाया तो हमारा कर्तव्य था, तो हमने शान नहीं किया, पर एक काम करने का तरीका होता है कुछ ना बहुत बड़ा। अभी एक घोषणा पत्र आपको आने वाला है कि 60 साल के जो लोग हैं और जो घोषणा पत्र पार्टी ने उसको दिया बनाया है उसमें 60 साल के लोगों सबको पेंसिल लगानी है। 60 साल के जो लोग हैं, चाहे उनका बेटा फौजी है चाहे उनका बेटा ड्राइवर है, उनके जो हमारे बुजुर्ग हैं माता पिता 60 साल के हो जाएंगे तो उनको सबको पेंशन मिलेगी। अब उसके पटवारी से कोई NSC लेने की जरूरत नहीं है और ऐसा हमारा घोषणा पत्र भी अभी हमने किया है। 60 साल में मोदी साहब ने 80 साल पहले किया था, 70 का चल रहा है, बात चल रही है, पर हिमाचल की घोषणा पत्र में से है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपना मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि केंद्र की सरकार बहुत पैसा दे रही है, 1,00,000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया हमें, 1,00,000 लंबा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, 70,000 करोड़ तो सड़कों के दिया, 4 मेडिकल कॉलेज दिए, यहां की नलायक सरकार ने DPR भी बनाई, DPR 230 करोड़ रूपये दिया, और हमारा मेडिकल कॉलेज हमारा भी चालू होता वीर मतलब हमारे साथ भेदभाव कर दिया, नीर चौक का चालू कर शुरू कर दिया, मेडिकल कॉलेज सिरमौर का शुरू कर दिया, चंबा हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया। और ये मेडिकल कॉलेज अगर शुरू हो जाता तो हमारे लोगों को इलाज के लिए शिमला टांडा नहीं जाना पड़ता।